हे गाइस, आई हैव बीन थिंकिंग टू डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थॉट कि यही सही वक्त है, क्योंकि कभी सही वक्त आएगा नहीं. एंड दिस इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसके बारे में मैंने स्टोरीज वगैरह अपलोड करी थी कि आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछो और मैं आपको जवाब दूंगा, बिकॉज आई हैव बीन इन टू डिप्रेशन. सो आई कैन कनेक्ट टू यू ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल ऑन दैट. सो दैट वाई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस सीरीज कॉल्ड सत्यम वचन, जहाँ पे मैं थोड़े बहुत अपने थॉट्स शेयर करूँगा टू लिव अ हेल्दी लाइफ इन पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ. सो टुडेज टॉपिक इज सोशल मीडिया. अब होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जो मीम्स होते हैं, अब मीम्स क्या करते हैं कि उसमें होता है कि अगर आप सिंगल हो, अगर आप लेट उठते हो, या अगर आपकी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, सो लाइक इट और रेज योर हैंड करके. सो व्हाट दोज मीम्स आर डूइंग टू यू इज कि वो आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर कंफर्टेबल कर रहे हैं, जिस कंफर्ट जोन से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है. तो जो मीम्स होते हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि वो आपको एक मेंटल पीस देते हैं इन अ रॉन्ग डायरेक्शन कि हाँ यार, ये तो चलता है, ये तो मतलब होता ही है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं. सो इट डजंट मीन कि आप वही करो. अगर हमारे जैसे बहुत लोग हैं और वो गलत चीज़ है, तो डोंट डू इट, बिकॉज धीरे धीरे आपकी वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, एंड देन योर लाइफ विल बी अ मेस इन अ लॉन्ग रन, बिकॉज वो नेचर चेंज करना विल बी डिफ़िकल्ट. अगर किसी चीज़ से आप जूझ रहे हो, आपको डिप्रेशन से अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, और आपको कोई डिप्रेशन का एक वो दिखता है जिसमें ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में ये करते हैं, डिप्रेशन में वो करते हैं, और आप वो शेयर कर देते हो कि हाँ मैं भी, रिलेटेबल जो मीम्स होते हैं, तो दोज आर रिलेटेबल बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड दैट पर्सन हु इज़ पोस्टिंग इज़ गोइंग थ्रू दिस एज वेल, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग. यू आर जस्ट शेयरिंग रिलेटेबल थिंग्स एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट. अगर आप कुछ कर भी रहे हो, फिर भी वो मीम्स कहीं ना बैक ऑफ द माइंड आपको एक कंफर्ट जोन में डाल देते कि यार चलता है, ये सब चलता है, बट नहीं चलता यार ये. सो आई अर्ज यू टू रीथिंक अबाउट योर लाइफ और आपके जो चॉइसेस हैं, आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, रीथिंक इट. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, गुड फॉर यू, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है. इट्स नॉट अबाउट कि आप अभी कितने सक्सेसफुल हो, कितने नहीं हो या क्या हो, बट टू हैव दैट माइंड सेट टू लिव अ वेरी गुड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई फील. सो प्लीज़ डू इट. एंड मैं क्वेश्चन, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन सत्यम वचन. द विंडो टिकट के अंडर एक सेगमेंट सत्यम वचन का आया है. सो आई थॉट कि इंस्टाग्राम पे एक अलग पेज बना दे, जहाँ पे आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर आप एनोनिमसली पूछना चाहते हैं, तो यू कैन DM मी, और बट आई विल अर्ज यू टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स डाउन बिलो. उससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग उसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, गो थ्रू कर रहे होंगे, तो दैट विल हेल्प देम एज वेल. और मैं उस सारे क्वेश्चंस को उठाकर एक वीडियो बनाऊंगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और फ्रीक्वेंटली मैं उस टाइप की वीडियोस बनाऊं. अभी मैं मशोबरा में हूँ, विच इज़ 10 किलोमीटर अबव शिमला, और यहाँ पे बर्फ़ आप जैसे देख सकते हैं, बहुत बर्फ़ है, बहुत ठंड है. सो मैं कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली इस टाइप की वीडियोज़ भी लाऊँ, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसको गैदर करके एक कंपाइल वीडियो भी बनाऊँ. सो या दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.